जैसे ही गर्मियां स्टार्ट हो जाती है सारे विटिलिगंस का एक ही दिक्कत ये रहता है, मेरा भी पर्सनली यही रहता है कि यार हम धूप में जाएंगे तो हमको सनबर्न हो जाएगा, तो कौन सा सनस्क्रीन यूज करें जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो और हमारा जो स्किन है वो बन ना हो। तो बेसिकली मैं जो सनस्क्रीन यूज करता हूँ, वैसे मैं एक बार मुंबई में था तो मैं बहुत सारे सनस्क्रीन यूज करता था, वो भी अच्छे थे, बट मैं अभी फिलहाल में जो सनस्क्रीन यूज करता हूँ वो ये वाला करता हूँ, ये आयुर्वेदा का। इसमें क्या है एक्चुअली ना, मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन लगाए हैं तो वो क्या बॉडी पे लगाने के बाद वो ऐसा लगता है कि हट गया है, बट ये वाले जो सनस्क्रीन है इसमें ना थोड़ा सा ऑयली ऑयली है, मतलब अगर आप हाथ में लगाओगे ना तो ऐसा लगता है कि कुछ तो लगा है, मतलब ऐसा थोड़ा सा चिपचिपा। और उससे उसका बेनिफिट क्या है कि जब हम धूप में जाते हैं ना तो हमारे जो जो रेज है वो प्रॉपर बॉडी पे नहीं जाती है, मतलब मेरा ये, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने ये किया है। तो अगर आप ये सनस्क्रीन लगाते हो और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, तो अगर आप मतलब लगा के बाहर जाएंगे तो इसे सनबर्न तो नहीं होता है, हाँ, बट कवर करके रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने मान लो कवर नहीं किया है तो क्या होगा कि ये इससे हमारा ही लॉस हो जाएगा। अगर एक बार भी बॉडी अगर बर्न हो गया तो उससे क्या होगा, जो पेन होता है ना, जिनको हुआ है वही समझ सकते हैं। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी ये वाला सनस्क्रीन आयुर्वेदा का यूज कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब प्राइस भी कम है, जब मैं खरीद सकता हूँ तो आप भी खरीद सकते हो, प्राइस इफेक्टिव है। आप बहुत लोग सोचोगे कि ये मैं कंपनी का प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस वाले प्रोडक्ट को यूज करो, देखो आपको खुद को अच्छा लगेगा। अगर मैं आपको ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तो इसके पीछे मैंने कम से कम दो महीना, एक महीना, अभी तो गर्मियां शुरू हुई, एक महीना मैं लगाया हूँ, उसके बाद मैं आपको ये ओपिनियन बता रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे लगाए और भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होंगे, आप ट्राई कर सकते हो आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर सनबर्न हो जाता है तो हम उसको थोड़ा सा ठंडे पानी से या एलोवेरा वगैरह लगा सकते हैं उस पर, बट मैं तो बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग भी यही वाला यूज़ करना।